हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दिस इज रोहित खरवार तो आज के वीडियो में देखने हैं जैसा मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया था आपको कि मैं प्राइवेट कॉलेजेस के रिव्यू चालू करने वाला हूँ और आज से मैं प्राइवेट कॉलेज का रिव्यू चालू करना हूँ और मैंने बोला था कि मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो मध्य प्रदेश के स्टेट से स्टार्ट करूंगा तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पहले कॉलेज का इसका रिव्यू करेंगे और इसका मैं एक प्ले बनाऊंगा मध्य प्रदेश का सेपरेट प्ले होगा जिसको आप जाके मध्य प्रदेश के अगर आप स्टूडेंट हो अगर बाहर के भी स्टूडेंट हो ऑल इंडिया के किधर से भी आप वो मध्य प्रदेश का आप प्ले लिस्ट जाके एक्सेस कर लेना वहां पे सभी आपको प्राइवेट बेस्ट प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का ओके okay. तो फर्स्ट कॉलेज है आज uh, मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज की बात करें आज पहला कॉलेज की हम रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है श्री गोविंद राम uh, सिख सारिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ओके okay. सो so इसको हम लोग बोलते हैं एस जी एस आई टी ओके तो बढ़ते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के तरफ तो इस कॉलेज का ओवरव्यू क्या है ये स्टैब्लिश कभी हुआ था ये स्टैब्लिश हुआ था 1952 में हुआ था लोकेशन की बात कर ले तो इंदौर मध्य प्रदेश में आपका ये कॉलेज आया कि अगर आप इंदौर में रहते तो ये कॉलेज में जा सकते हो इंस्टीट्यूट टाइप मैंने जैसे बोला कि मैं प्राइवेट कॉलेज का रिव्यू करता हूँ इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है ऑल्सो नोन एज ऑल्सो हम लोग इसको एस जी एस आई टी एस के नाम से जानते हैं ओके okay? और कैंपस एरिया की बात करें इसका कैंपस एरिया कितना है तो इसका कैंपस एरिया है 36 सिक्स एकर्स का कुछ कैंपस एरिया है चलो अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में कि यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं एरोप्लेन से ट्रेन से कैसे पहुंच सकते हैं तो 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर जो आपका इंदौर में है ठीक है और अभी हम बात करेंगे कि स्टेशन से स्टेशन से आपको कितना डिस्टेंस पे पड़ेगा स्टेशन से आपको इंदौर जंक्शन इंदौर रेलवे जंक्शन से आपको पड़ेगा 2.5 किलोमीटर कितना 2.5 किलोमीटर तो ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है आपके स्टेशन से आपके एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है ओके तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में थी कि आपका जो एस एस कॉलेज है वो कितना आपका फीस चार्ज करता है इंस्टीट्यूशन की फीस की बात करें यहाँ पे 52,400 ग्रुप ए और 66,400 ग्रुप बी मतलब इसका मतलब समझ लीजिए ग्रुप ए ग्रुप बी मतलब क्या यहाँ पे मैंने ऑल्सो उसके बारे में लिखा है ग्रुप ए ग्रुप बी मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट है ग्रुप ए में कौन सा डिपार्टमेंट है मतलब कौन सा आपका कोर्स ऑफर कर रहा है ग्रुप ए में उसका फीस आपका फिफ्टी है मतलब ग्रुप ए में कौन कौन से है सिविल इंजीनियरिंग हो गया आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कम्युनिकेशंस हो गए आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया मैकेनिकल इंजीय इंजीनियरिंग हो गया इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया तो ये सब का जो फीस है वो आपका फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड है और जो आपका ग्रुप बी है ग्रुप बी में आपको बायो मेडिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग देखने को मिलता है जिसका फीस है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी करके आपको बताया है ओके okay? TA हो गए आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बात की बात करें और इसके मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका आ, आपको एटलीस्ट पी में सिक्सटी सिक्सटी uh, का 60 परसेंट रखना है पी में और बी आप यहाँ पे कैसे मोड ऑफ़ एडमिशन कैसे होता है यहाँ पे आपका जेई मीन्स के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो अगर आपका ज़्यादा रैंक नहीं है कम रैंक है फिर भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो जेई मीन्स के थ्रू तो इनका जो कॉलेज है वो खुद काउंसिलिंग करके आपको लेगा जितना इनका कट ऑफ रहेगा और यहाँ पर मैंने कट ऑफ भी डाल रखे हैं जो आपको शायद दिख नहीं रहेंगे दिख नहीं रहे होंगे आप चाहिए तो एक काम करिए मेरे पीडीएफ uh, जो ये आप देख रहे हैं इसको आप एक्सेस कर सकते हैं नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ डाल रखा है तो उसको जाके एक्सेस करिए और धूम करके देखेंगे तो आपको जरूर दिखेगा तो यहाँ पे मैं बा, बात कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट इस कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ की बात करता हूँ ये आपका जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये ऑल इंडिया रैंक है मेल मेल कैटेगरी के लिए ठीक है तो कंप्यूटर साइंस का देखो आपका कट ऑफ क्या गया था होम uh, स्टेट के लिए क्या कट ऑफ गया है होम स्टेट के लिए आपका ओपनिंग रैंक कितना है देखो 995 ये आपका ओपनिंग ओपनिंग रैंक है ठीक है ऑल ऑल इंडिया इंडिया लेवल लेवल पे पे 995 आपका ओपनिंग रैंक है और आपका 16000 कितना 16000 फोर्टी थ्री पे आपका क्लोजिंग रैंक है ये है होम स्टेट के कट ऑफ रैंकिंग के बारे में ठीक है और आपके आउटसाइड ऑफ होम स्टेट जी जो आप मतलब जो मध्य प्रदेश के नहीं है जो आप Uh, कोई गुजरात यूपी महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट्स हैं उनके लिए कितना है कट ऑफ कट ऑफ रैंकिंग यहां पे आप देख सकते हो सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इनका ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एटी फोर इनका क्लोजिंग रैंक है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टू थाउजेंड नाइनटीन का क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक है ओके टू थाउजेंड ट्वेंटी का मुझे मिला नहीं इसलिए यहाँ पे मैं नाइनटीन का दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आपको आप जो ब्रांच में जाना चाहते हैं वो ब्रांच का आप क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक देख सकते हैं आ, नीचे पीडीएफ दिया है उसको एक्सेस करिए उसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा ठीक है तो ये हो गए आपके कट ऑफ के बारे में अभी हम बात करेंगे यहाँ पे फैसिलिटीज़ के बारे में कि फैसिलिटीज़ कैसा है तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलता है गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलता है आपका जो बॉयज़ हॉस्टल है उसका कुछ फी आपको फोर्टीन पड़ जाएगा ठीक है और आपको जिम देखने को मिल जाएगा आपको लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी आपको स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा जिसमें बहुत से आ, बहुत से स्पोर्ट्स रहते हैं आपके जैसे क्रिकेट ग्राउंड हो गया बास्केटबॉल ग्राउंड हो गया वॉलीबॉल ग्राउंड्स हो गया तो सब वहाँ पे ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैफेटेरिया देखने को मिलेगा आपको ऑडिटोरियम देखने को मिलेगा जो आपका 275 परसेंट का कैपेबिलिटी रखता है ओके टू टू का कैपेबिलिटी रखता है ऑडिटोरियम उतने बच्चे वहाँ पे फीड हो सकते हैं तो ये हो गए आपके फैसिलिटीज के बारे में जो मैंने यहाँ पे बताया ओके okay. तो अभी हम बात करेंगे प्लेसमेंट बारे में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मैंने एवरेज पैकेज uh, मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्लेसमेंट के बारे में मिला नहीं लेकिन मुझे एवरेज पैकेज पता चला यहाँ का कुछ 5.5 पॉइंट आपको एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है अभी हाईएस्ट कितना गया है, वो मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन एवरेज पैकेज आपका फाइव पॉइंट फाइव बीटेक कंप्यूटर साइंस में देखने को मिल जाता है तो एस जी आई एस इंदौर कॉलेज का आपका पूरा कॉलेज रिव्यू है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना थैंक यू सो मच I got brides in Atlanta, chasing the money in the family. Credit cards and the scams, getting the licks in the bank. Legacy.